राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास कमेंट में और साथ में बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं स्किन की प्रॉब्लम को लेकर। चेहरे पे झाइयां हैं, डल हो गया है या पिंपल्स निकल आए हैं, तो इसके लिए मेरे दो तीन वीडियोस चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं मिले तो उन्हें भी देख लीजिए। आज मैं फिर आपके लिए कुछ नई जानकारियां लेकर आई हूँ, कुछ नया नंबर लेकर आई हूँ, कुछ नया प्रयोग लेकर आई हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि महिलाओं की ये विशेष डिमांड है। हर महिला चाहती है वो सुंदर दिखे। देखिए दोस्तों, सुंदर बाहरी रूप से दिखना एक अलग चीज है, लेकिन आपके जब अंदर आपका अंदर से आपकी ऑरा क्लीन होती है तो अब वो आपकी सुंदरता और लोगों पर आपका प्रभाव छोड़ती है। हाँ, माना कि आज के युग में बाहरी सुंदरता सबसे पहले है। जब आप सुंदर दिखते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो सुंदरता बढ़ाने के लिए। आपका रंग रूप अच्छा हो जाए, आपकी स्किन टाइट हो जाए, चेहरे पर कुछ ग्लो आ जाए, उसके लिए मैं आपको ये कुछ प्रयोग देने वाली हूँ। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी त्वचा का कारण शुक्र और बुध होते हैं। बुध हमें जवान त्वचा देता है, कसी हुई त्वचा देता है। जब भी हमारा बुध पीड़ित होता है तो हमारी स्किन सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, झुलसी हुई, जली हुई, कालापन त्वचा पर आने लगता है और विशेषकर चेहरे पर जरूर आ जाता है। और शुक्र आपका अच्छा होता है तो आपकी लाइफ में लग्जरी आती है, आप देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, आपके नए नक्श बहुत सुंदर होते हैं, रंग भी आपका साफ होता है, चेहरे पर भी आपके एक आभा होती है। अब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए संभव हो सके, तो कुछ आप अपने कुछ उपाय कर लें घरेलू, जिन्हें करने से भी आपके ये शुक्र और बुध मजबूत होंगे। दोस्तों, बहुत सारे अब आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट चल गए हैं जिन्हें लोग अंधाधुंध तरीके से यूज करने लगे हैं, ये भी आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। जितना हो सके आप घरेलू चीजों का इस्तेमाल कीजिए। पुरातन समय कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, जहां हमारी दादी नानी या हमारी मम्मियां हमसे कहती थी बेसन में दही मिलाकर नहा लीजिए, हफ्ते में एक दिन बेसन और दही का उबटन लगाओ, या रेड कलर का जो पत्थर जिनसे घर बनते थे उनसे अपने हाथ पैरों को रगड़ कर साफ करो, ये आपके लिए ब्लीच का काम करते थे। ये जो आप वैक्सिंग कराती हैं उसका काम करता था वो, रेड पत्थर से हाथ पैरों को रगड़ने से शरीर पे एक बाल नहीं होता था, किसी को वैक्सिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब जैसे जैसे ब्यूटी पार्लर बढ़ते जा रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी पार्लर में पैसा खर्च करने लगी हैं। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए दोस्तों, ये हकीकत है। आपका आधे से ज्यादा पैसा महीने का जिसे आप बचा सकती हैं आप ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर देती हैं, वो कैसे बचेगा? तो जो घर बनते हैं उनमें जो रेड कलर के पत्थर जो इस्तेमाल होते हैं, जो कोटा पत्थर होते हैं, अगर उसका एक छोटा सा आपको टुकड़ा मिल जाता है, अगर आप नियमित भी अपने हाथ पैरों को उससे रगड़ कर नहाते हैं, आपके यकीनन शरीर से एक एक बाल खत्म हो जाएगा और आपके शरीर पे वो बाल दोबारा नहीं आते हैं। आप नियमित नहाते हैं, वैक्सिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, स्किन इतनी चिकनी हो जाती है आपके हाथ पैरों की। जैसे मैंने आपको बताया, बुध पीड़ित होता है तब और शुक्र पीड़ित होता है तब। बुध पर आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो स्किन झुलसी रहती है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही तो लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, राहु की दृष्टि है तो भी आपको स्किन डिसीज होने लगती है, केतु की दृष्टि से आपके चेहरे पर झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, ये बहुत अधिक आते हैं, या शरीर पर भी आपको स्किन सिरोसिस वगैरह हो जाती है। तो पहले तो अपने बुध को अच्छा कीजिए, 41 दिन लगातार आप फिटकरी के पानी का कुल्ला करिए, थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी लीजिए, अपने मुंह में घुमाइए और इसको आप कुल्ला कर दीजिए। स्किन को मजबूत करने के लिए आपको दही का नियमित सेवन करना चाहिए। दोपहर के समय आप दही का सेवन करेंगे तो आपको, विशेषकर महिलाओं को, ये एक तो आपको यूट्रस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने देगा, यूट्रस आपका सही रहेगा, स्किन पे ग्लो आएगा, आपका शुक्र मजबूत होगा। आज जो मैं आपको नंबर दे रही हूं दोस्तों वो है 515 515। इस 515 नंबर को आप ग्रीन कलर के पेन से, ब्लू कलर के पेन से, रेड कलर के पेन से, तीनों में से कोई भी पेन हो आपके पास उससे आप लिखिए, लेफ्ट हैंड पर यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए इस नंबर को,
और नियमित लिखिए इस नंबर को। मैं आपको पहले भी एक बार मंत्र दे चुकी हूँ, वो मंत्र इतना पावरफुल है, आपके अंदर वो गजब की आकर्षण क्षमता लाता है। वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा, वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। उस वीडियो को आपको दोस्तों पूरा देखना होगा, मैं आपको चाहे तो आई बटन में लगा दूंगी या आपको स्क्रीन में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, उस मंत्र को कैसे जाप करना है उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। उस मंत्र का भी आप जाप करिए 515, इस नंबर को आप इसके अपने लेफ्ट हैंड पर। पुरुष भी कर सकते हैं इन प्रयोगों को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि महिलाएं करेंगी इन प्रयोगों को, कोई भी पुरुष अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए, अपने अंदर आकर्षण बनाने के लिए कर सकता है। अब जो मैं आपको एक पैक बता रही हूं, ये पैक आपको चेहरे पर लगाना है। इसमें करना क्या है आपको, 10-12 चिरौंजी। चिरौंजी दोस्तों मेवा होती है जो खीर में डाली जाती है और जो माता मां लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। चिरौंजी के 10-12 दाने 2-3 चम्मच दूध में डालकर आप सुबह के समय उठते ही भिगो दीजिए। 1-2 घंटे बाद वो फूल जाएंगी, फिर उनका पेस्ट बना लीजिए। ताजी ही डेली बनाइएगा, रखा हुआ नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि रखे हुए में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि आपके स्किन को हार्म कर सकते हैं। इस पेस्ट को बनाकर अपने चेहरे को पहले फेस वॉश से साफ कर लीजिए, उसके बाद अपने चेहरे पर इसको गीला गीला अप्लाई करिए। बहुत गाढ़ा नहीं लगाना है आपको, पतला पतला ही इसको लगाना है। पेस्ट पतला ही बनाइए, अच्छे से चेहरे पर लगाइए, गर्दन पर लगाइए, चाहे तो हाथों पर भी लगा सकते हैं। 10-15 मिनट तक लगा रहने दीजिए, उसके बाद इसको इस तरह से उल्टा करते हुए इसको उतार दीजिए, इस तरह से। इसको हफ्ते में आप 2 दिन यूज करिए। गर्मी के मौसम में, अगर आपको ये वीडियो गर्मी में मिलता है और आपने देख रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में इसको हफ्ते में एक ही दिन यूज करिएगा। चेहरे पर कैसा भी आपके झाइयां होंगी, दाग होंगे, वो खत्म होंगे। आपके चेहरे पर किसी भी तरह के बाल होंगे वो निकल जाएंगे, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा आपके, इससे आपके स्किन टाइट हो जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा। 10 मिनट के लिए लगा छोड़ दीजिए, जिससे कि चेहरे पर टाइटनेस आ जाए, आपकी स्किन थोड़ी टाइट हो जाए। जब ये आपके चेहरे पर लगाओ तब बोलिएगा बिल्कुल भी मत, चेहरे को इसको अब्सॉर्ब करने दीजिएगा। उसके बाद रगड़ रगड़ कर साफ कर दीजिए और प्लेन सादा पानी से, हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लीजिए। इसे कुछ दिन करके देखिएगा, आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इससे आपको कितना फायदा मिला। ये बहुत जरूरी टिप्स है और कोई भी उम्र की महिला इसको कर सकती है। आप 50 की हैं तो भी कर सकती हैं, आप 60 की हैं तो भी कर सकती हैं, और साथ में आप अगर नियमित अपने चेहरे पर मात्र 1/4 चम्मच दही भी लगाती हैं, सिर्फ दही भी लगाती हैं, नहाने के बाद आपने नहा लिया पूरा, उसके बाद चेहरे पर दही लगा दिया और 10 मिनट बाद उसने, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप दही धो देते हैं चेहरे पर, तो चेहरे पर से आपके ग्लो इतना आने लगता है कि आप अलग से पहचानी जाती हैं, आपका चेहरा इतना सुंदर हो जाता है। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं दोस्तों, आप जो इतना परेशान होती रहती हैं। ग्रहों को मजबूत करेंगी, पानी अधिक पीजिए, मन को शांत रखिए, चंद्रमा को शांत रखिए, बहुत अधिक किसी से क्रोध मत करिए, तो आपके चेहरे पर वैसे ही ग्लो आ जाएगा। 26 जनवरी 2022 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:32 से 1:52 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज आपको नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालनी है, 1/4 चम्मच करीब फिटकरी डालिए पानी में, और इस पानी से आप स्नान करेंगे तो आज आपका राहु शांत रहेगा, आपको नए आइडियाज आएंगे और आप उन काम आइडियाज पे आप काम कर पाएंगे। आज का जादुई अक्षर है मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों आप मेरे वीडियोज देखते हैं, आप स्किन के बारे में पूछते रहते हैं, आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करना शुरू करेंगे तब भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा अच्छा होता है उनकी स्किन भी अच्छी होती है, उनके चेहरे पर ग्लो भी होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास भी बहुत अधिक होता है। जब आपका आत्मविश्वास अच्छा होता है तो आपके चेहरे पर वैसे ही ग्लो आ जाता है, लोग आपसे वैसे ही आकर्षित होने लगते हैं। तो मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करना ना भूलें दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मेरे एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष पूछो जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप भी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, आप टाइम, आपके भविष्य का वो आईना है जिसमें आप
कुछ भी देख सकती हैं और कुछ भी अपने अट्रैक्ट कर सकती हैं, पा सकती हैं अपने जीवन में। वो आपकी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है जिसका आप निदान नहीं मिल रहा है, हेल्थ इशूज हैं, आपका धन नहीं आ रहा है, रिलेशन अच्छा नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका ज्योतिष शास्त्र में आपको निदान ना मिले। मैं आपको सारे ही प्रयोग दोस्तों ज्योतिषी आधार पर देती हूँ, ज्योतिषी कारण के साथ में देती हूँ, ज्योतिषी उपायों के साथ में देती हूँ। तो मेरे कोई भी उपाय होते हैं वो ज्योतिषी आधार पर ही होते हैं और ज्योतिष शास्त्र से, पुराणों से वर्णित ही होते हैं। ऐसे कोई उपाय नहीं होते हैं जिनसे कि आपको कोई भी किसी तरह की नुकसान होगा। तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर जान सकती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आपके जानने वाला कोई भी समस्याओं से जूझ रहा है उसे मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे फायदा उठा सकें, आपको दुआएं दे सकें। कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं, किसी वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में ही अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर किसी भी वीडियो में, वैसे तो मैं संडे वाले वीडियो में ही आप कमेंट सेक्शन लेती हूँ, उसमें आपको मैं उसका आंसर करूँगी। दोस्तों ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।